नमस्कार। पेश है अब तक के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार। आज तक जो घटनाएं घटी हैं उनमें सर्वप्रथम ग्वालियर के पुलिस के दो थाना प्रभारियों की फेसबुक आईडी हैक करना तथा एक कांग्रेस से भाजपा में पहुंचे एक भाजपा नेता की आईडी को साइबर क्राइम करने वाले लोगों ने हैक कर लिया है। और इन थाना प्रभारियों के नाम पर और इस भाजपा नेता जी के नाम पर हैकरों ने उनके मित्रों को पत्र भेजकर, मांग भेजकर या अन्य प्रकार से सूचना देकर के हजारों रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक की मांग की है, जिसकी शिकायत दोनों थाना प्रभारियों और भाजपा नेता ने पुलिस के साइबर क्राइम सेल को की है। ये एक तो पुरानी छावनी के थाना प्रभारी हैं राजीव गुप्ता, उनकी फेसबुक आईडी हैक हुई है, और दूसरे हैं शैलेंद्र भार्गव, ये दोनों ही ग्वालियर के टीआई हैं। इन दोनों की फेसबुक आईडी हैक करके इनके नाम पर लोगों को सूचना भेजकर, संदेश भेज करके 20-20 हज़ार रुपये से लेकर के लाखों रुपये तक की मांग की है। इसकी शिकायत शैलेंद्र भार्गव तथा राजीव गुप्ता ने साइबर सेल को और जो अपराध शाखा है क्राइम ब्रांच उसको की है। तो क्राइम ब्रांच की जो साइबर सेल है वो इस इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है और पता लगा रही है। भाजपा के एक जो नेताजी थे जो कि अभी अभी कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे थे, तो शीतल प्रसाद नाम है उनका, वो भी ग्वालियर के, उनकी भी फेसबुक आईडी हैक कर ली है। उनके दोस्त और पत्रकारों को भी संदेश भेज भेज कर रुपयों की मांग की है, यानी कि दोस्तों से तो की है, पत्रकारों से, क्योंकि उनकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में पत्रकार भी शामिल थे। और इसी के साथ मुरैना में शहीद हवलदार रामकिशोर सिंह तोमर जो कि रांची में शहीद हुए थे, उनकी कल उनके गाँव तालकापुरा कोथर में सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। और चूंकि चंबल जो है शहीदों का जिला है, यहाँ हर साल शहीदों के शव आते हैं, इस बारे में यहाँ पर शहीद बिस्मिल संग्रहालय भी बनाया गया है। दूसरी खबर है 9 दिन से गायब एक किसान, उसका शव मुरैना की बानमोर में एक फैक्ट्री थी पुरानी बंद पड़ी थी, उसमें फांसी पर उनका शव लटकता हुआ मिला है। तो उसका फैक्ट्री का जो मालिक था उसे बेचना चाहता था, उसने बेचने के लिए किसी को दिखाने ले गया था, तो वहाँ उसे फांसी पर उसका सिर लटकता मिला, तो उसने पुलिस को इत्तला दी। तो वहाँ एक किसान, उसका शव जो बताया जा रहा 9 से 10 दिन पुराना है, बाद में पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस का प्राथमिक दृष्टिया यानी कि इनिशियल स्टेज पर कहना है कि किसान ने आत्महत्या की है। अब ये तो जांच से पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, फिलहाल मर्ग कायमी कर ली गई है। और इसी प्रकार से चंबल में पानी की विशेष समस्या, पीने के पानी की, विशेषकर मुरैना में, और इसके सपने दिखा रहे हैं नेताजी लोग 15-16 साल से कि हम आपको पीने का स्वच्छ पानी देंगे और साफ पानी देंगे। अभी मुरैना के पीने के पानी में काफ़ी सॉल्ट आता है जो कि उनके कूलर की जालियों पर जम जाता है और पानी के बर्तनों में जम जाता है। ऐसा पूरे भारत में मुरैना शहर में ही होता है। ये जो सॉल्ट है इसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की भाषा में अस्वच्छ पानी कहते हैं, पीने योग्य नहीं होता, यह हार्ड वाटर कहा जाता है। और इस संबंध में जो ठेके दिए जा रहे हैं, एक सीवर लाइन का ठेका दिया गया और अब इस पानी के ठेके की बात चल रही है, तो उसके लिए हमेशा ही एक जयपुर की कंपनी के आश्रित है मुरैना की नगर निगम, और जयपुर की कंपनी को ही ये अरबों के ठेके देती है। ये ठेका करीबन 10 अरब का है और सीवर लाइन का ठेका 7 अरब का था। इस तरह ये 17 अरब के ठेके उस जयपुर की कंपनी के नाम क्यों मेहरबान होकर के करती जा रही, किसी और को देश भर में ये ठेका देती नहीं है, केवल जयपुर की कंपनी को ही ये ठेका देती है, चाहे सीवर लाइन का हो और चाहे अपा, यानी कि 17 अरब रुपए
जयपुर की कंपनी के नाम, उनका क्या है क्या नहीं ये वो जाने, मगर ये आश्चर्यजनक है कि जयपुर की कंपनी पर क्यों मेहरबान है नगर निगम। और खबर है जो बैंकों के टाइम टेबल के बारे में, बैंकों का टाइम टेबल बदल गया है, अब सरकार की मेहरबानी हो गई है, सरकार की दया दृष्टि हो गई है, सरकार की कोप दृष्टि के कारण बैंक भी बंद हो गए थे और 2 बजे तक खुलने लगे थे, अब वे 2 के बजाय 4 बजे तक खुलने लगेंगे। उधर क्षत्रियों राजपूतों ने राम के वंशजों को अयोध्या के शिलान्यास में नहीं बुलाए जाने पर और शामिल नहीं किए जाने पर ऐतराज और नाराजगी जताई है और कहा है कि राम के वंशजों को राम के ही कार्यक्रम में न बुलाया जाना राम का ही अपमान करना है और राम का अपमान जो किया गया है उसमें राम के वंशजों को न बुलाना ये राम के वंशजों का भी अपमान है। उल्लेखनीय है कि राठौड़ और कछवाए कुशवा ये राजपूत जो हैं वो राम के वंशज हैं। इसी प्रकार से जो और खबर निकल के आ रही है वो है अंबा थाना से, मुरैना जिले के अंबा थाने में चतुर की गढ़ी। चतुर की गढ़ी में एक मिजाजी लाल माहौर हैं, उन्होंने मीडिया को पत्र भेज करके, पत्र हम यहाँ दिखा रहे हैं, उन्होंने फोटो भी भेजे हैं मारपीट के अपनी पत्नी के जो हमें प्राप्त हुए थे कल। उसमें उन्होंने कहा है कि उनके गांव के कुछ लोग जो है उनकी एक आटा चक्की है उस पे आटा पिसाने के लिए डाल गए थे तो उन्होंने आटा पीस भी दिया था, फिर बाद में उन्होंने उनको बुलाया घर पे पति पत्नी को और वहाँ बुला करके मारपीट कर दी और जाति सूचक गालियाँ वालियाँ दे दी और बोले कि आटा तूने वैसा पीस दिया है खराब ऐसा करके। उसके बाद में उनकी खूब पिटाई की गई पति और पत्नी की, उनने जो आवेदन में लिखा है और जो कहा है उसके अनुसार उनमें लातें घूसे मारे गए, तो लातें मार के और घूसे मार के उनको तो पीटा ही गया, उनकी पत्नी को भी पीटा गया जो कि गर्भवती थी, 8 माह का बच्चा पेट में था, उसके पेट पर लातें मारी जिससे कि उनका कहना है कि बच्चेदानी फट गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई और इसके लिए उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना यह है कि वे TI अम्बा के पास गए लेकिन उन्होंने FIR नहीं लिखी, इसलिए उन्होंने जो CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 36 है उसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन भेजा जाता है, 154(3) में पहले SP को भेजा जाता है तो SP को भेजा उनने, उसके बाद में और वरिष्ठ अधिकारियों धारा 36 के तहत उन्होंने उसको रवाना की है और पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग की है। तो मिजाजी लाल राठौर ने उन्होंने अपना दस्तखत किया हुआ आवेदन मीडिया को भेजा है जो कि फेसबुक पे ग्वालियर प्रेस ग्रुप में प्राप्त हुआ था और उसमें उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है और इसके साथ ही कोरोना के संबंध में जो विशेष वो है वो कि आप सावधान रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और इसके साथ ही एक जो खास खबर और है और वो है कि ग्वालियर में कहना ये है नगर निगम का और पुलिस का कि डिस्टेंसिंग टूटी और बिना मास्क के मिले तो 6 COVID वैन चलेंगी जो कार्यवाही करेंगी, इस प्रकार का उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है या प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसके अलावा जो ग्वालियर में साड़ा का जो विकास किया जा रहा है यानी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उसके अनुसार वो उसको इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि ग्वालियर शहर को फैला करके वो नूराबाद तक तो आ ही चुका है, उससे आगे ये यहाँ चंबल तक, चंबल नदी तक उसकी शहर की बसाहट और वहाँ पे आसपास सड़क के दुकान है, यहाँ तो हाईवे निकलता है जो कि नेशनल हाईवे 3 NH3 कहलाता है, आगरा बॉम्बे राजमार्ग उसके दोनों तरफ ये बसाहट की जाएगी और दुकानें खोली जाएंगी चंबल नदी के पुल तक और इधर
जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चंबल नदी से पानी लाने का, उसे ग्वालियर भी कोशिश कर रहा है कि चंबल नदी का पानी ग्वालियर पहुंचे, और मुरैना कोशिश कर रहा है कि चंबल नदी का पानी मुरैना में मिले। दोनों में देखते हैं कौन जीतता है या कौन किसको ले जाता है। मुरैना का पानी मुरैना को मिलता है या ग्वालियर जाता है, क्योंकि तो ग्वालियर में अभी तिगरा और हरसी डैम से पानी आ रहा है। और इसके अलावा वो उसको भी कम बताते हैं ग्वालियर के लिए, तो वो चंबल का पानी वहाँ लाना चाह रहे हैं, और मुरैना वाले जयपुर की कंपनी को ठेका दे करके मुरैना का मुरैना में पानी ला। इसके साथ ही समाचार आज के यहीं समाप्त होते हैं, और नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्ट में और जो अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार उसमें फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।